ये तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्लास ट्वेल्थ के। तो देखिए क्या है हमारा, व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट द मनी एज चैरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि गर्ल ने जो चैरिटी के रूप में दान कार्य के रूप में दिया था उन्होंने वो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था। तो द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी एज चैरिटी बिकॉज सी हैड अ सेंस ऑफ प्राइड इन हर हर्ट। मतलब कि उसके अंदर क्या था, मतलब कि एक अंदर उसके हृदय में क्या था, एक अभिमान था। मतलब कि वो अपने आप में एक गर्व करती थी। सी वॉन्टेड टू टेक मनी ओनली आफ्टर सेलिंग हर बास्केट। मतलब कि वो केवल चाहती थी कि वो मतलब कि क्या करेगी, धन कमाएगी केवल अपने बास्केट बेच कर, ओके, विद अ हैंडल, किससे, जो हैंडल से लगे हुए थे, ठीक है। तो ये था उस लड़की का मतलब कि क्या कह सकते हैं, प्राइड, ओके। हु वर दो चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, कौन थे वो बच्चे जो बास्केट जो टोकरियाँ बेच रहे थे। द चिल्ड्रन हु वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस तो वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दोज रिफ्यूजीज। मतलब कि उनके उन शरणार्थियों के बच्चे और उनके लड़के और लड़कियाँ थीं हु लेफ्ट पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया, जो मतलब कि पाकिस्तान छोड़कर कहाँ आ गए थे, भारत, ड्यू टू द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, किसके, धार्मिक कट्टरता के भय से। दी चिल्ड्रन वर ट्राइंग टू अर्न दियर लिविंग, वो लोग अपना जीवन यापन मतलब कि जीवन यापन कर रहे थे वही बच्चे, बाई सेलिंग देयर हैंड्स ओवन बास्केट्स एंड फैंस। मतलब कि जो मतलब कि पंखे और टोकरियां बेचकर वो क्या कर रहे थे, बच्चे जीवन यापन कर रहे थे। ओके, धन्यवाद।